मुझे भी एडिशनल आईजी साहब की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ टीवी पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि बच्ची हमारे पास मौजूद है, एडिशनल आईजी साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है? तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने देनी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के आईजी साहब से पूछा तो पंजाब के आईजी साहब भी इसे क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी उसी चैनल पर वो जो SHO की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। ठीक है, एक निकाहनामा की कापी सिर्फ TV पर चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी, मेरी शादी हुई थी 2005 में। ठीक है, तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं, अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले भी इसी तरीके से एक जाली जी जी बिल्कुल वो जाली जी पहले आपको पता है वो CCTV आई थी, उसके बाद वो जो सांगड़ से बच्ची मिली उसे भी मेरी बच्ची बना दिया गया। मुतमईन आप मिल गई कोई बातचीत वगैरह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं अभी तक, कोई नहीं कुछ भी नहीं अभी मामू पहुंच गए सर, कुछ भी नहीं है, सब न्यू फेक न्यूज चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई पुलिस के पास अभी तक कोई क्लेम नहीं है। लाहौर पुलिस और कराची पुलिस जो है वो रास्ते में जहां पर कस्टडी जी बिल्कुल रास्ते में है वो पुलिस के जरिए आप लोगों से कोई रास्ता कराने की कोशिश की? नहीं 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 पुलिस कस्टडी में है तो इट इज अ वेरी इजी वे कि वो आपसे कॉल पे बात, लेकिन वो कस्टडी का क्लेम जो आया था वो थाने ने रोल बैक कर लिया, उन्होंने कहा हमने तो ये बोला ही नहीं। एक चीज, दूसरी चीज ये कि दोनों पुलिस रास्ते में है, क्योंकि सिंध की पुलिस अलग है, वो अलग है, इन्होंने उनसे ही पूछना है। वो आगे से क्लेम नहीं कर रहे कि अभी तक बच्ची मिली है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ भी अपडेट्स आती है मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी नहीं सर, कोई रब्ता नहीं है, किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। जी वो आई थी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने भी कहा कि ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, जब तक कन्फर्म नहीं हो सकता इसे बोला नहीं जा सकता। ठीक है जी, खबर चल रही है लेकिन आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि लाइन में हैं। मैं बाईगार्ड, मुझे मीडिया से पता चला था, मैंने उसके बाद SSP साहब से कॉल की, उन्होंने वो शायद मसरूफ थे कॉल नहीं उठा सके। फिर मुझे AIG मेमन साहब की कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो कहते मैं कंफर्म करता हूँ, वो करने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि निकाहनामे की पेचीदगी की वजह से ये पुलिस जो है ड्रामा कर रही है और उन्होंने बाजियाब कर लिया और निकाहनामे की पेचीदगी? देखिए मैं किसी के पे फिलहाल वो नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये बच्ची मिली नहीं है। क्या अपील करेंगे दारों से? देखिए मैं ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए बस। बेटी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रही है आपकी बात? अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए मेरे पास। अच्छा सर जी बताएगा कि वजीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह, वो स्टेट के सरबरा हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बच्ची मिल गई है और आप अभी तक लाइल में इसे? देखिए एविडेंस अभी तक उनके पास भी नहीं है, बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कहूँगा।